हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अशूज किचन। आज हम आलू कटलेट बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करेंगे। ब्रेड क्रम्स, दो बॉयल आलू स्मैश करके लिए है, कोरिएंडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, मैदा, जिंजर पाउडर, ऑयल, वाटर। अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हम मिक्सर बनाएंगे। बॉयल आलू एक बड़े बाउल में लेंगे, चाट मसाला, जिंजर पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप रेड चिली पाउडर की जगह पे ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्सर बनके रेडी है। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। सारे कटलेट बनके रेडी है। अब हम एक बड़े बाउल में मैदा लेंगे, इसमें नमक डाल देंगे और पानी मिलाएंगे। हमने मैदे से पेस्ट बना के ले ली है। और अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, एक कटलेट लेंगे और मैदे के मिक्सर में डीप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डीप करेंगे। और साइड में रखेंगे। इसी तरीके से हम सारे कटलेट तैयार करके ले लेते हैं। सारे कटलेट बनके रेडी है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने गैस पे पैन रखा है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। हमने सारे कटलेट इसमें डाल दिए हैं। कटलेट के ऊपर हम तेल डाल देंगे। एक साइड से कटलेट अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे। कटलेट अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे, गैस बंद कर देंगे। सारे कटलेट हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कटलेट बनके रेडी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हमने सर्विंग प्लेट ले ली है और उसमें हमने सॉस डाला है। अब हम कटलेट को सर्व करेंगे। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।